दीपावली के लिए मिठाई खरीदने जा रहे हैं तो जरा रुकिए, समझिए और उसके बाद ही मिठाई खरीदिए। आपको बता दें कि दीपावली मिठाई का त्यौहार है। पटाखे के साथ इस पर्व के दौरान लोग मिठाई भी खरीदते और गिफ्ट में बांटते हैं, पर थोड़े से मुनाफा के लिए व्यवसायी आपको जानलेवा मिठाई भी बेच देता है। बिहार के पटना में सरकार के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने मिठाई दुकानदारों के साथ साथ उनके यहाँ बन रही मिठाइयों की जांच शुरू की है। इसके लिए अधिकारियों के साथ एक लैब युक्त गाड़ी भी चल रही है जो मिठाई की गुणवत्ता की जांच कर रही है। दरअसल दीपावली और छठ को लेकर बिहार में मिठाई की खपत बढ़ जाती है। सरकार इन मिठाई व्यापारी को कई निर्देश दिए हैं, पर ज़्यादा मुनाफा के लिए मिठाई दुकानदार लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आते। आप देखिए कि कैसे ये अधिकारी मिठाई दुकानों में जाकर सैंपल लेकर उसकी जांच कर रहे हैं और साथ ही चल रहे चलंत गाड़ी के लैब से तत्काल उन मिठाइयों की केमिकल टेस्ट कराते हैं और धोखाधड़ी करने वाले की मिठाई सीज करने के साथ ही उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। जब पटना के पटना सिटी के गाय घाट इलाके की मिठाई दुकान और मिठाई बनाने वाले कारखाने पर छापेमारी की गई तो दुकानदारों में हड़कंप मच गया। खाद्य विभाग को मिलावटी मिठाई बेचने की सूचना मिली थी और यहाँ मिठाई के ऊपर जो चांदी का अर्क लगाया जाता है वह अल्मीनियम का पाया गया, यानी लोगों के स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़, जिसके आधार पर टीम द्वारा छापेमारी की गई। खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकार के अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि बर्फी और मिठाइयों पर एल्युमिनियम का तवक पाया गया है। साथ ही रेस्टोरेंट में भी मसाले की जांच की जा रही, सभी दुकानों कारखानों और रेस्टोरेंट से सैंपल लिया जा रहा है जिसकी जांच की जा रही, गड़बड़ी पाए जाने पर इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी गायघाट पटना सिटी में मिठाई दुकान का चेक करने के पश्चात यहाँ पर खुले रेस्टोरेंट में भी उनके यूज करने वाले मसाले पनीर का जांच की जा रही है और जांच करने के बाद जब रिजल्ट खराब आएगा तो सारा सामान उसका सीज कर लिया जाएगा। मिठाई दुकान में दीपावली का त्यौहार है, मिठाई दुकान में जितने भी मिठाई दुकान है वहाँ पर हम लोग पहुँच रहे हैं, जहाँ तक हमारी गाड़ी पहुँच रही है। अगर गाड़ी पहुँच नहीं रही तो हम गाड़ी दूर में रोक कर भी वहाँ पे अंदर गली तक जा रहे हैं। क्या आया है सर? अभी तक जांच में दो दुकानें जांच हुए हैं जिसमें उसका एक का रसगुल्ला खराब आया और एक का जो बर्फी में तबक लगा हुआ है वो सिल्वर तबक न हो करके अल्मीनियम तबक पाया गया है, और जिसमें अल्मीनियम तबक मिला है वो सारे मिठाइयों को सीज कर दिया गया है, उसको डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। बहरहाल जान है तो जहान है के मद्देनजर पटना में सरकार की इस कार्रवाई की लोग तारीफ भी कर रहे हैं। खुलासा के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की ये खास रिपोर्ट।